Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. आज हम हमारी जो इंग्लिश की नोटबुक है जो 4 लाइन वाली है उसमें हम करने वाले हैं लेसन. ओके, तो उसमें हमें क्या करना है, देखो मैंने ये सब लिख के रखा है, यहाँ सब मैंने लिख के रखा है. अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ऐसा आपको अपनी बुक में जो 4 लाइन वाली हमारी इंग्लिश की, फिर से मैं बोल देती हूँ, इंग्लिश की बुक में 4 लाइन वाली जो है उसमें लिखना है. इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर दोनों मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग बुक में लिखने हैं. ओके, दोनों बुक डिफरेंट है, हमें एक बुक में इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर दोनों नहीं लिखने हैं. ओके, तो ये है आज का हमारा लेसन, वो हमें इंग्लिश की बुक में करना है, ना कि इंग्लिश ग्रामर की बुक में. ओके, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती रहूँगी कि ये इंग्लिश में करना है, ये इंग्लिश ग्रामर में करना है, तो ये किस में करना है, हमें इंग्लिश की बुक में 4 लाइन वाली जो बुक है उसमें करना है. ओके, वेरी गुड. न ए नेम, न ए न ए न ए नेम, पूरा का पूरा प्रोनंसिएशन क्या होता है उसका, नेम. ओके, तो ये नेम किसका नेम लिखना है, हमें हमारा नेम लिखना है. मैं यहाँ पर मेरा नाम लिखती हूँ, आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम लिखना है. ASTHA, मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिखा है, आप लोगों को अपना नाम लिखना है. फिर हमें ये 2 बार रिपीट करना है, ये 1 बार, ये 2 बार. ओके, वेरी गुड. यहाँ पर भी क्या आएगा, जो हमने हमारा नाम यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर आएगा. फिर है सरनेम, हमारा सरनेम क्या है, तो यहाँ पर मैं अपने सरनेम लिख रही हूँ, आपको यहाँ पर आपकी सरनेम लिखनी है. ओके, ये है हमारी खुद की प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास हमारी सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके, S U R N A M E, सरनेम. S U R N A M E, सरनेम, यानी कि हमारी जो अटक होती है ना सरनेम, वो पहले हमने नेम लिखा, फिर हमने सरनेम लिखी. S U R N A M E, सरनेम. यहाँ मैंने अपनी सरनेम लिखी है, आप लोगों को अपनी आपकी सरनेम लिखनी है. ओके, वेरी गुड. फिर है एफ ए टी एच ई आर, फादर. एफ ए टी एच ई आर, फादर. ओके, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन हुआ होगा कि ये क्या है, यहाँ पर ये है एंड ये एस है. अगर हमें ऐसा बोलना हो कि ये उसका है, मेरा है, मेरे के लिए हम माई बोलते हैं, बट मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये मेरे फादर का है, माई फादर स, जब का किसी की चीज़ हो उसकी मालिक की दर्शाने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं. ओके, एंड नेम, फादर्स नेम, फादर का नेम. ओके, फादर का नेम क्या है, फादर्स नेम, मेरे फादर का नाम महेश भाई है, आपको यहाँ आपके फादर का नाम लिखना है. ओके, आपको यहाँ आपके फादर का नाम लिखना है.
फिर है कॉन्टेक्ट नंबर। किसके कॉन्टेक्ट, किसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है पता है आपको? आपको यहाँ आपके पापा के कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं, ताकि आप कहीं पर बाहर जाओ और आप अकेले ही, चलो आप अपने घर के कॉर्नर तक, एरिया के कॉर्नर तक गए हो, ओके, तो आपको वहाँ से अपना घर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, किसी और को बोलोगे कि मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ। तो आपको अपने पापा का नाम पता होना चाहिए, अपनी सरनेम पता होनी चाहिए, फिर पापा का कॉन्टेक्ट नंबर पता होना चाहिए, मम्मा का नाम, मम्मा का कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम ये आपको करवा रहे हैं, ओके। और ये है हमारा बेसिक नॉलेज कि हमें हमारे फैमिली मेंबर्स और उनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो हमें याद होने चाहिए, ओके। फिर है पापा का कॉन्टेक्ट नंबर, आपको यहाँ पर पापा का फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है, एक ही दोनों जगह लिखना है, हम एक चीज़ दो बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने 1 और 2 यहाँ पर लिखा है, ओके। यहाँ पे ऐसे आप लोगों को एक ही नंबर दो बार लिखना है, ओके। ये आप होगा आपके पापा का कॉन्टेक्ट नंबर। फिर है MOTHER, मदर, MOTHER, मदर, MOTHER, मदर, मदर्स नेम, यानी कि हमें हमारी मम्मा का नाम यहाँ पर लिखना है, ओके। मदर्स नेम यानी कि मम्मा का नाम लिखना है, तो हमें हमारे मम्मा का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर है कॉन्टेक्ट नंबर, CONTACT, कॉन्टेक्ट नंबर, NUMBER, नंबर, तो हम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ फादर का नेम था एंड फिर कॉन्टेक्ट नंबर, यानी कि फादर का कॉन्टेक्ट नंबर लिखना था, यहाँ पर मदर का नेम है एंड फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, तो यानी कि हमें यहाँ पे हमारे मम्मा का नंबर लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ हमारे मम्मा का कॉन्टेक्ट नंबर हमें 2 times लिखना है। अगर मम्मा के पास 2 phone number हो, पापा के पास 2 phone number हो, तो हमें एक ही लिखना है, यहाँ पर सेम पापा का एक ही लिखना है 2 times एंड यहाँ पर मामा का, मम्मा का जो फ़ोन नंबर है वही एक ही 2 times लिखने हैं, ओके। आ गया समझ में? वेरी गुड। फिर है ब्रदर्स नेम, अगर आपके घर में आपका कोई ब्रदर हो तो आपको ये कॉलम लिखना है, वरना नहीं लिखना है, ओके। मेरे ब्रदर का नाम है मैं यहाँ पर मेरे ब्रदर का नाम लिखती हूँ, आपको अपने ब्रदर का नाम लिखना है अगर हो तो, वरना ये कॉलम आपको नहीं लिखनी है, ओके। फिर यहाँ पर SISTER, सिस्टर्स नेम, SISTER, 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 सिस्टर नेम, हमें हमारी सिस्टर का नेम लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेरे सिस्टर का नाम ख्याति है, तो मैंने यहाँ पर सिस्टर का नाम लिखा है, ओके। फिर यहाँ भी हम ये कॉपी करने वाले हैं, ओके। इस तरह से आपको ये आपका जो फैमिली है उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है, इसमें हम आगे भी लिख सकते हैं, अगर आपका ब्रदर नहीं है और सिस्टर नहीं है तो आपको ये कॉलम नहीं लिखनी है, और आपके साथ आपने ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर रहते हैं तो ग्रैंड मास नेम, ग्रैंड पास नेम, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पर आपको एक बार लिख के बताती हूँ, ग्रैंड ए, G
GRANDPA. Grandpa's NAME. Name. हमारे ग्रैंडफादर यानी कि दादा का नाम क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना है. मेरे ग्रैंडफादर का नाम मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको अपने ग्रैंडफादर का नाम यहाँ पे लिखना है. फिर यहाँ पर एक बार हमें रिपीट करना है, फिर मैं यहाँ पे अपने ग्रैंडमा यानी कि ग्रैंडमदर दादी का नाम लिखना है हमें. मैं यहाँ पर मेरे ग्रैंड मदर का नाम लिखती हूँ लता बेन, आपको अपने ग्रैंड मदर का नेम लिखना है. एंड यहाँ पर ये दूसरी बार रिपीट करना है. ओके, आ गया सब लोगों को समझ में. एक बार फिर से हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या करना है. ओके, फर्स्ट है NAME नेम. ओके, तो मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिखा है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है. फिर यहाँ पे दूसरी बार NAME, यहाँ पर भी अपना ही नाम लिखना है. एक चीज हमें दो बार रिपीट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है. ओके, फिर है SURNAME सरनेम. हमारी जो सरनेम है वो हमें यहाँ पर लिखनी है. मेरी सरनेम में यहाँ पे लिखती हूँ, आपको अपनी सरनेम लिखनी है. दूसरी बार भी हमें रिपीट करना है. ओके, आ गया समझ में. फिर फादर्स नेम, मेरे पापा का नाम महेश भाई है, आपको यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना है. फिर यहाँ भी दूसरी बार महेश भाई ही लिखना है. फिर यहाँ पे आपको अपने पापा का कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, जो आपके पापा का मोबाइल नंबर है. एक ही नंबर लिखना है बट दो बार लिखना है. ओके, फिर मदर्स नेम, मेरे मदर का नाम दीप्ति बेन है, आपको यहाँ पे अपनी मम्मा का नाम लिखना है. एक मम्मा का नाम दो बार लिखना है. फिर CONTACT कॉन्टेक्ट NUMBER नंबर, यानी कि देखो यहाँ पर हमने पापा का नाम लिखा था एंड नीचे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा था, तो यहाँ का पापा का नाम एंड पापा का कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे मम्मा का नाम एंड मम्मा का कॉन्टेक्ट नंबर. आ गया आप लोगों को समझ में? वेरी गुड. मम्मा के पास या पापा के पास अगर 2 फोन नंबर है तो आप लोगों को यहाँ पर 2 नहीं लिखने हैं, एक ही नंबर दो बार लिखना है. यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, यहाँ पर पापा का एक नंबर दो बार, यहाँ पे मम्मा का एक नंबर दो बार. फिर क्या करना है आपको? फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने ब्रदर्स का नाम लिखना है, ब्रदर. ओके, तो अगर आप आपका कोई ब्रदर है तो यहाँ पे ये कॉलम लिखनी है, वरना नहीं लिखनी है. फिर सिस्टर का नाम, यहाँ पर मैंने मेरे ब्रदर का नाम लिखा है, आपको यहाँ पे अपना ब्रदर का नाम लिखना है. फिर यहाँ SISTER सिस्टर्स नेम यानी कि बहन का नाम लिखना है. यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेरी सिस्टर का नाम लिखा है, आपको अपनी सिस्टर का नाम लिखना है. फिर ग्रैंडपास नेम यानी कि ग्रैंडपा यानी कि दादा का नेम, मैंने यहाँ पे मेरे दादा का नाम लिखा है, आप लोगों को यहाँ पे अपने दादा का नेम लिखना है. फिर ग्रैंडमास नेम यानी कि दादी का नेम, यहाँ पर मैंने अपनी दादी का नाम लिखा है, आप लोगों को आपके दादी का नाम यहाँ पे लिखना है. ओके, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि ये जो मैंने आज लिखवाया है वो आप लोगों को इंग्लिश की 4 लाइन की बुक में लिखना है. ये जैसे हमने ये 2 टाइम लिखा है वैसे ही आप लोगों को ये सब 2 टाइम लिखना है. कितनी टाइम?
टू टाइम, वेरी गुड। और ये सब लिखने के बाद मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना है। ओके, आ गया सबको समझ में? वेरी गुड। तो आज हम इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।